हेलो, हेलो, कैसे यस एवरीवन। हेलो, चलो जल्दी आ जाइए। हेलो रेखा जी, पूर्णा जी, हेलो। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब आप? हेलो अंशु जी, हेलो श्वेता जी, स्नेहल जी, हेलो। आज मैं एकदम 9 बजे, शार्प 9 बजे आई हूँ लाइव। आई अंजना जी पूछ रहे हाउ आर यू। स्वाति एम गुड, फैंटास्टिक। जी हेलो, स्नेहा जी, कुनाफा चॉकलेट अमेजिंग जी, किसने ट्राई थैंक किया? यू, ट्राई करो जरूर, ठीक है? और सर ऑफिस लेके गए थे, बाकी लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। और याना ने भी लेके गई थी स्कूल, फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। राइट याना, फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छा लगा और सच में अमेजिंग है वो चॉकलेट्स। श्वेता जी हेलो, अंशु जी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू श्वेता जी। पांच मिनट जस्ट वेट सोनिया जी करेंगे, हेलो, ठीक है? अदरवाइज सब रिपीट करना होता है ना, इस वजह से। अंशु जी कुछ सोचा है क्या? सेवरी कुछ क्या क्या रखना है? हैम्पर्स? हाँ, यस। आई विश कि मैं ये चॉकलेट एजेंट को खिलाती। ओह आप लोग मुझे प्लीज सजेस्ट करोगे क्या कि सेवरी आइटम्स हम राखी हैम्पर में क्या रख सकते हैं? आप कमेंट में बताओगे, अगर मुझे समझ में आया कि हाँ तो फिर मैं सिलेक्ट करूंगी। बट सजेस्ट तो जरूर करो क्योंकि मैं मेरे हिसाब से तो लाऊंगी, बट मुझे आप लोगों की भी राय चाहिए कि हम और क्या रख सकते सेवरी आइटम्स में, ठीक है, जो कि खराब ना हो। हेलो सुनीता जी, छाया जी हेलो, भावना जी बोलो हेलो, कैसे हो आप दोनों? बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा है। किंजी जी हेलो, कितने 26, ओके 26 लोग है ना जुड़ रहे हैं क्या? और जो लोग जुड़ रहे हैं हाय बोलिए कमेंट में, तो फिर हमें पता चलेगा और फिर हम सेशन हमारा स्टार्ट करेंगे। ओके शिवांगी जी हेलो, वी आर गुड, आप कैसे हो? और हाँ संध्या जी हेलो, सोनिया जी कैसे हो? वी आर गुड। सर प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ कैनवा जो है, जैसे आप लोग देखते हो ना कि मैं जो केक्स बनाती हूँ उसमें कस्टमाइज टॉपर्स मैं बनाती हूँ, है ना? कोई भी थीम है, जैसे कि अभी कौन सा बनाया था, बहुत सारी थीम्स रहती है। अभी एल्सा है अभी। हाँ ऐसा फ्रोजन थीम एक था, बहुत सारे ऐसी थीम है जो कि देखो कस्टमर को थोड़ा अगर रिजनेबल रेट्स में चाहिए होते तो वो ही बताते हमें ऐसे ऐसे चाहिए, टॉपर्स वगैरह चाहिए। सो बेबी का नाम है, बॉय गर्ल,
जो भी है ठीक है। तो वो हिसाब से अगर आपको टॉपर्स सीखने हैं कि कैसे बनाना है आपको कैनवा ऐप में, तो सर सेशन लाएंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ठीक है। एक एक चीज लाएंगे क्योंकि ये ऐसी चीज है टॉपर्स बहुत लोगों को नहीं आती, और अगर आप फिर क्या करते हो रेडीमेड लेते हो या फिर बाहर जाके प्रिंट कराते लाते हो, प्रिंट तो करना ही होता है बट एडिटिंग वगैरह तो बहुत सिंपल वे से, मुझे तो बहुत फायदा होता है जब सर घर के घर में ये सारी चीजें मुझे बना के देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ठीक है ना, लेट भी हो जाएगा, मैं थोड़े कमेंट्स पढ़ लेता हूँ एंड फिर चलते हैं आगे। ओके यस, ज्योति जी बोले फ्लेवर्ड मखाना या ऐसा कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, रश्मि जी हेलो, हाय ना फ्लेवर तो भाई मेरे फेवरेट। अच्छा रश्मि जी हेलो, कैसे आप? थैंक यू सो मच शिवांगी जी। अंशु जी बोल रही है कि वो सॉरी बोल रही है बट वो करेंगी, सजेस्ट करेंगी। सदाब जी हेलो, अमीशा जी हेलो। मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे सजेस्ट करो। सरिता जी हेलो, अमीशा जी हेलो, रेखा जी प्लीज 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 कैनवा सेशन श्योर यस इंटरेस्टेड। स्वाति जी राधे राधे करेंगे हम सर, या ना प्लीज शांत रहिए बेटा, जाओ आप अपने स्टडी करो। डन डन, तो आप अभी ठीक है मैम शिव मामा शिव 5 मिनट बैठो, मामा शिव बोल के करना है। लुकिंग ऑलवेज प्रीटी, सदाब जी बोलिए हेलो मैम, सोनिया जी बोलिए, मीनाक्षी जी हेलो कैसे हो आप, ज्योति जी कैरामल चकली कैरामल चकली, गीता जी यस हेलो, कॉर्न मिल सीरियसली सॉरी अभी मुझे चश्मा लगा के बैठना पड़ेगा। आप चश्मा लगाइए, पहले तो चश्मा लगाइए, सच में बता रही हूँ। अभी कैरामल चकली मेरे को शौक हो गई, भैया ये कैरामल चकली क्या होती है? ये होता है घाई करने के, आराम से पढ़िए सब, कोई जल्दी नहीं है हमारा। शिवानी जी हेलो, चारू जी हेलो, निकिता जी हेलो, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। पीडीएफ मिलेगा क्या निकिता जी? ये सिंगल सेशन है तो सिंगल सेशन के हम पीडीएफ नहीं बना रहे। कैप्शन में मैं सारे इंग्रेडिएंट मेंशन कर देती हूँ, तो कोई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप एक काम करो, ये सेशन जो है ना व्हाट्सएप पे खुद के लिए शेयर करके रखो। खुद के लिए मीन्स खुद का नंबर सेव करो एंड उसको शेयर करो, जैसे मैम ने मेरा नंबर मेरे मोबाइल में हबी करके सेव किया है। एक्चुअली वो उनके अपने वो नंबर पे सेव किया है बट हम दोनों अकाउंट से मैं लॉग्ड इन हूँ तो मुझे उनके सारे कॉन्टेक्ट आ जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इधर गया मेरा व्हाट्सएप, ठीक है ऐसे करके रखो ताकि क्या होगा ना इन फ्यूचर कभी भी आपको सेशन चाहिए रहता है तो मेरी जो भी चीजें रहती है मैं ऐसे ऐसे जैसे यहाँ पे देखो हॉबी यू करके ब्रैकेट में जो आता है ना वो रहता है खुद का ही नंबर, खुद का नंबर सेव करना होता है ठीक है। तो जो भी मेरी इम्पोर्टेंट चीजें रहती है मैं खुद को ये करके रखता हूँ। और देखो मैंने कुछ बनाया, ये भी दिखा लो, कैनवा रिलेटेड है। हाँ, तो सर ने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं ठीक है, हमने आज ही डिस्कस किया दोनों ने कि क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं कैनवा में, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। जो लोग ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं, टॉपर्स का ट्रेंड है वो कभी जाएगा ही नहीं है ना, तो वो कवर करेंगे हम। चलो स्टार्ट करें। तीनों जी हेलो, रेखा जी को बड़ी हंसी आई मेरे मेरे गड़बड़ पे, थैंक यू सो मच। भूमिका जी जय माता दी, जय माता दी। अंजू जी हेलो, यस डियर अंशु जी बोली। ज्योति जी मैम मैंने आज सुबह आपको कॉल किया था, मुझे बटर मिल गया। नाइस नाइस, डोंबिवली से ना आपने कॉल किया था, क्या नाम से है? ज्योति, यस ज्योति जी। स्वाति जी बोले आज के रेसिपी को क्या बोलते हैं? आप नाम दीजिएगा, नामकरण आप लोग करो, लाइक एंड शेयर, थैंक यू सो मच। निकिता जी जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ आप खुद नाम दिया करो, जो भी नाम अच्छा लगेगा हम कैप्शन में डाल देंगे। स्वाति जी बोले काजू कतली है या लड्डू, दोनों कर सकते हो, मैं वेरिएशन में बताऊंगी कि आप लोग क्या वेरिएशन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अंजलि जी हेलो, शिवानी जी स्टार्ट जी श्योर मैम, आप बहुत फिट हो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, नवरात्रि भी आज से नवरात्रि भी है मैम। हाँ, ओके, नवरात्रि है ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं शांत रहता हूँ
और मैम बोलेंगी अभी। जब मैं अभी बताती रहूंगी तो सर आपकी कमेंट बाद में पढ़ेंगी, जो भी क्वेरीज होगी बाद में क्लियर होगी, सो डोंट वरी। ठीक है, और कैप्शन में रहते ही है इंग्रेडिएंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम बैटर बनाते हैं। अभी देखो इसमें क्या वेरिएशन रहेगा वो मैं बताऊंगी, आप आराम से वेरिएशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तीन चीजें हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम मफिन बनाएंगे, आप काजू कतली मफिन बोलो या काजू मफिन बोलो, या फिर उसमें अगर वेरिएशन करना है तो पिस्ता का कर सकते हो, मैंगो जो चाहे कर सकते हो। ठीक है, देन हम, मैं अभी काजू के साथ बनाने वाली हूँ, देन हम सेंटर फिलिंग करेंगे। सेंटर फिलिंग के लिए मैं काजू स्प्रेड बनाऊंगी जो कि बहुत इजी है, देखो। और थर्ड वन रहेगा टॉपिंग। टॉपिंग में मैं व्हिपिंग क्रीम का यूज नहीं करने वाली हूँ, मैं बटर क्रीम का यूज करने वाली हूँ। अभी देखो शेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़नी चाहिए, इस वजह से मैंने ये तीन इंग्रेडिएंट, सॉरी तीन रेसिपी मैं ला रही हूँ। क्या होता है ना, जैसे आप ऑर्डर्स भी अगर आप लेते हो तो ये जो मफिन्स है, उमेश पानी पड़ जोशी, ये जो मफिन्स है आप दो तीन दिन तक आराम से बाहर रख सकते हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक खट्टे आप बना के रख दो और उसके बाद जब हैम्पर्स रहेगा है ना, उस टाइम में आप बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग करो। हाँ, या फिर जैसे चाहे आप फ्रॉस्टिंग करो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट ले लेंगे। खूबसूरत सबको सब दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक बोल ले लिया है, हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट छान लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट में मैं ले रही हूँ यहाँ पे मैदा, ऑल पर्पज फ्लावर 75 ग्राम, आप चाहो तो होल व्हीट फ्लावर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 75 ग्राम हमने ले लिया है मैदा, मीन्स ऑल पर्पज फ्लावर। इसमें हमें लेना है पाउडर शुगर 50 ग्राम, मैंने लिया है घर की पिसी हुई चीनी, ये हमने ले लेना है। साथ में हमें लेना है मिल्क पाउडर, मैं यहाँ पे अमूल्य ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में, और रेट भी बहुत अच्छे है इसकी, मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। ठीक है, मिल्क पाउडर हमें लेना है यहाँ पे 20 ग्राम। देखो अच्छी क्वालिटी की चीजें यूज करोगे तो रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून हमें लेना है यहाँ पे बेकिंग पाउडर, उमेश ओवन ऑन करूँ ना, हाँ हाँ स्टे ऑन कर दो। ओके, बेकिंग पाउडर हमें लेना है हाफ टी स्पून, स्टे ऑन है। बेकिंग सोडा हमें लेना है 180 स्पून, अगर चाहो तो आप कमेंट में मेजरमेंट जो है मेंशन कर दीजिए जिनको करना है, या लिख लीजिए, बट मैं बाद में तो कैप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, स्टे ऑन कर दीजिए फटाक से। और सुना ना, सुनो सुनो सुनो, हेलो, इसको पहले थोड़ा मेल्ट कर दो बटर को, उसके बाद स्टे ऑन कर। एक बार बता देती हूँ मैं, सबसे पहले हमने क्या किया है, हाँ 15 सेकंड बहुत है, मेल्ट हो जाए डाइट से। ठीक है, क्या किया हमने, एक हमने बोल लिया, इसमें हमने छन्नी रख दी है, तो इसमें हमें सारे इंग्रेडिएंट को छान लेना है। 75 ग्राम मैंने लिया है ऑल पर्पज फ्लावर, मिस मैदा, आप चाहो तो होल व्हीट फ्लावर ले सकते हो। उसके बाद हमें लेना है 50 ग्राम पाउडर शुगर, ठीक है 50 ग्राम पाउडर शुगर ले लेना है। 20 ग्राम हमें लेना है मिल्क पाउडर, अमूल्य का मिल्क पाउडर लिया है मैंने, आप नेस्ले का भी ले सकते हो, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाफ टी स्पून हमने दिया है बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून आपको फ्लैट लेना है। ठीक है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हमने 180 स्पून लिया है। उसके बाद इसे हमें अच्छे से छान लेना है। अब सारे इंग्रेडिएंट आपको रूम टेम्परेचर पे लेना है। ठीक है, अब जो भी मैं यूज कर रही हूँ सब रूम टेम्परेचर पे रखिएगा, ना गर्म होने चाहिए ना चिल्ड होने चाहिए। ठीक
अभी छानना बहुत जरूरी है। जी पूछ रहा है कि हाउ मच क्वांटिटी और एग वाइज केक केजी सॉरी मुझे क्या हुआ दिख नहीं रहा है केजी वाइज केक और मफिन्स मैम यू आर मेकिंग कितने बना रहे हो आप ये आप देखते हैं नाम कितने बनेंगे क्योंकि डिपेंड करता है डियर आप जो लाइनर्स यूज कर रहे हो वो स्मॉल साइज है मीडियम साइज है बड़े हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है आप ग्राम से लेना चाहते हो तो एक मफिन जो है आप 50 ग्राम तक का बना सकते हो ठीक है यहाँ पे छान लिया हमने ड्राई इंग्रेडिएंट अब डालना है इसमें काजू पाउडर ठीक है यहाँ पे मैंने लिया है 20 ग्राम तक काजू पाउडर 20 ग्राम काजू को आपको दरदरा पीस लीजिए या फिर फाइन पाउडर चलेगा बट इतना है कि ऑयल नहीं छूटना चाहिए ये चीज का ध्यान रखिए ठीक है पल्स मोड पे इसे आपको छानना है सुमन जी पीडीएफ एक्चुअली जब भी कुछ सिंगल सेशन रहता है ना उसका पीडीएफ नहीं बनाते हैं जब मल्टीपल सेशन रहेंगे एक ही इसमें मल्टीपल चीजें सिखाते हैं तब हम बनाते हैं मैम फ्यूचर में कुछ मल्टीपल चीजें लेके आएंगी उसका फिर पीडीएफ रहेगा इसलिए मैं इंग्रेडिएंट सारे जो हैं मैं कैप्शन में डाल देती हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए ठीक है अगर आपको इंग्रेडिएंट वीडियो शेयर करके रखो व्हाट्सएप पे और उसके नीचे आप इंग्रेडिएंट कॉपी करके रख दीजिए ठीक है अंशु जी बोले आई हैव फ्यू आइडियाज फॉर द सैवरी स्नैक्स आई विल मैसेज यू ऑन पर्सनल थैंक यू सो मच तुमा जी हेलो वर्षा जी हेलो कमलजीत जी हेलो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग मंजू जी हेलो इंग्रेडिएंट रेडी है अब हम वेट इंग्रेडिएंट यहाँ पे निकाल लेते हैं मैम आज बना रही है काजू कतली मफिन्स राइट आप काजू कतली मफिन्स सॉरी कपकेक्स बन रहे हैं ठीक है नॉट अ मफिन आपको एज अ मफिन बनाना है तो मफिन बनाओ बट मैं मफिन्स देन फिलिंग एक कैश्यूज की फिलिंग और साथ में हम बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग करेंगे ओके ये आपकी चॉइस है आपको किस तरीके से वेरिएशन करना है इसमें भी आप काफी सारे वेरिएशन कर सकते हो माया जी हेलो सोनिया जी बोले ब्राउनी बोथ रॉड पे बेक होगी या लोअर रॉड पे ही मैं तो बोथ रॉड पे ही करती हूँ डियर और मिडल रैक पे हमेशा करती हूँ अब देखिए हम वेट इंग्रेडिएंट के बारी वेट इंग्रेडिएंट में हम लेना है यहाँ पे 80 ग्राम ठीक है मैं ग्राम से ले रही हूँ 80 ग्राम मैं ले रही हूँ अमूल ताजा मिल्क 80 ग्राम अगर हमें लगता है तो बाद में हम डालेंगे एक्स्ट्रा ठीक है बट फिलहाल में आपको 80 ग्राम ही लेना है अब हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे ये हमारा मेल्टेड बटर ये अनसॉल्टेड मैंने प्रेसिडेंट का बटर लिया है दिस वन ओके प्रेसिडेंट का बटर मैं यूज करती हूँ बहुत अमेजिंग टेस्ट लगता है थोड़ा कॉस्टली है बट एक बार जरूर ट्राई करना आप मफिन्स अगर बना रहे हो या फिर बटर क्रीम बना रहे हो स्पेशली फॉर बटर क्रीम अनसॉल्टेड है ये ठीक है ये हमने डाल दिया है 18 ग्राम ठीक है 18 ग्राम 18 ग्राम हमने डाला है गायत्री जी हेलो दीप्ति जी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग पल्लवी जी हेलो कमल जी ऑयल भी ले सकते हैं यस डेफिनेटली डियर सेम क्वांटिटी में आपको ऑयल लेना है या फिर आप 50-50 कर लो 9 ग्राम आप ऑयल ले लो 9 ग्राम आप ले लो बटर दक्षा जी हेलो ठीक है मिक्स कर लिया अभी देखो कोई भी आप फ्लेवर्स के मफिन्स बनाओ कपकेक बनाओ बट आप वनीला एसेंस जरूर डालना ठीक है इससे क्या होता है जो मेन फ्लेवर है वो इन्हांस होगा भूमिका जी बोले सॉल्टेड बटर नहीं ले सकते क्या ले सकते हो डेफिनेटली ले सकते हो यहाँ पे अगर अनसॉल्टेड बटर ले रहे हो तो पिंच ऑफ सॉल्ट डालिएगा ठीक है सॉल्टेड है तो डालने की जरूरत नहीं सॉल्टेड है तो आपको बटर डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 TSP वनीला एसेंस आप कोई भी अदर फ्लेवर भी अगर बनाते हो ना फ्रेंड्स तो भी वनीला एसेंस जरूर डालना ठीक है जिससे कि मेन फ्लेवर एनहांस होता है दीप्ति जी यस मैम डाल देंगे डोंट वरी दीप्ति जी हेलो भूमिका जी हेलो और ये वीडियो रहेगा पेज पे अगर कोई लेट ज्वाइन हुआ है तो आप फिर से देख सकते हो आराम से बैठ के ठीक है हेलो गायत्री जी का हेलो बोल लो हाय गायत्री आपका सेशन कैसे हुआ अब देखिए फ्रेंड्स अभी ये ऑप्शनल है मैं यहाँ पे बेकर्स विले का काजू इसेंस यूज कर रही हूँ मैं काजू इसेंस इसलिए यूज कर रही हूँ टेस्ट बहुत अच्छा आता है आपको अगर नहीं यूज करना है टोटली स्किप करो क्योंकि ऑलरेडी हमने काजू पाउडर तो यूज किया ही है ठीक है बट अच्छा लगता है एक बार जरूर ट्राई करना
और यहाँ पे मैं 18 TSP ले रही हूँ काजू इसेंस। अब देखो बहुत ज्यादा भी मत डालना, बहुत स्ट्रांग होते हैं ये फ्लेवर्स, तो कड़वा हटाने की चांसेस होते हैं, ठीक है, तो ऐसे मत करना। आप एक साथ कभी भी मत डालो, थोड़ा थोड़ा, कोई भी इसेंस है, कोई भी कंपनी की इसेंस है तो आप फ्यू ड्रॉप्स डालो। आपको लग रहा है कि टेस्ट सही है तो बंद कर दो डालना, फिर अगेन डाल देना, ठीक है। और एक चीज, अगर जरूरत नहीं तो डालो भी नहीं। हाँ, जरूरत नहीं तो मत डालना। मंगल जी थैंक यू सो मच। सच्ची में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। वेट इंग्रेडिएंट में जैसे मैंने डाला है ना, वनीला इसेंस भी डालना है और काजू का भी इसेंस डालना है, ठीक है। गायत्री जी बोले थे कि मस्त था डियर। मंगल जी शेयर डन, मनीषा जी शेयर एंड लाइक डन मैम, थैंक यू सो मच। फोर ड्रॉप्स इनफ है क्या शिवानी जी? यस, फोर ड्रॉप्स इनफ है। कितने पे है, कितने पे रखा है? मैं एक बार देख के आती हूँ। ओटी ओवन बनकर सर ने 250 डिग्री पे रख दिया था, अच्छा हुआ चेक किया, नहीं तो वो जल जाते हैं हमारे वापस। कोई नहीं, अभी डोर बंद कर दो, फैन शुरू है ना, बट डोर तो ओपन है ना, रहने दो ना, जल्दी ठंडा होगा। अरे पर हीट नहीं होगा ना, फिर बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अवन को प्री हीट करना है 160 डिग्री पे। मैं बेस डिग्री मेरे लिए तो 160 है, मैं 160 पे ही करती हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वेट मिक्स डाल देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट में। कल्पना जी मैम बताएंगी। थैंक यू सो मच पल्लवी जी। शंकर जी वेयर इज याना? याना है अपना खाना खा रही है अभी। शेखर सॉरी सर, आपको सच्ची में मैं बहुत मैं बहुत अज्यूम करके बोल रहा हूँ और बहुत फास्ट बोलने की कोशिश कर मत करो, मत करो, ठीक है। कट एंड फोल्ड, अभी रुकिए, शांत रहिए, ठीक है। यहाँ पे हम कट एंड फोल्ड मेथड करेंगे, ठीक है। रफली मिक्सिंग नहीं करना है, विगरेसली मिक्सिंग नहीं करना है, बिटर बिल्कुल भी नहीं चलाना है, ठीक है। सिंपली कट एंड फोल्ड कीजिए। अब देखो, अगर आपको लगता है मैंने तो ऑलरेडी काजू का पाउडर डाल दिया है, काजू कतली तोड़ के डालना है तो डालो, बट मैं यहाँ पे नहीं डालूंगी, मैं डेकोरेशन के टाइम में यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, ठीक है। अब एक इंग्रेडिएंट और बाकी है हमारा, वो टाइम पे डालना जरा, टाइम मत, क्या चीज, जो एक एक इंग्रेडिएंट है वो टेम्परेचर सही होना। हाँ, 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 नहीं कोई इशू नहीं, ठीक है। ये देखिए हमने कट एंड फोल्ड किया, थोड़ा फ्लावर लग रहा है मुझे, थोड़ा सा मिल्क डालती हूँ मैं, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, मिल्क आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। हमने 80 ग्राम तो डाल के रखा है, 10 ग्राम वगैरह हमने एक्स्ट्रा डाला है, क्योंकि फ्लावर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर है, ना बहुत थिक है ना बहुत थिन है, बस दैट्स इट। 160 का डाला, ओके, बैटर रेडी है, पाइपिंग बैग में हम बैटर डालेंगे। अभी बैटर में हम और एक चीज डालेंगे। एक क्वेश्चन है, कपकेक के प्राइस क्या होने चाहिए? हाँ, हम डिस्कस करते हैं, लास्ट में डिस्कस करेंगे ये, ठीक है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। या ना आवाज कम करो बेटा। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 TSP लेमन जूस, ठीक है। एक क्वेश्चन है और, मनीषा जी बोले शुगर डाली क्या आपने? हाँ डाली ना, ठीक। 50 ग्राम हमने शुगर डाला है ना ड्राई इंग्रेडिएंट में,
लेमन जूस ले रही हूँ हाफ टीएसपी, जो कि इजीली अवेलेबल होता है हर एक के घर में। ठीक है, ये हमने डाल दिया और अच्छे से इसे लाइट हैंड से कट एंड फोल्ड कीजिएगा। एक क्वेश्चन है मैम, वी पुट ड्राई इन वेट बट यू हैव पुट वेट इन ड्राई। यस, एनी रीजन फॉर दैट? कोई रीजन नहीं, कोई रीजन नहीं है। वेट में ड्राई डालो या ड्राई में वेट डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है, जस्ट मैंने कट एंड फोल्ड किया, लेमन जूस डाला है हाफ टीएसपी और अब मैं सारा बैटर इसमें डाल देती हूँ। छाजी बोले गैस पर बना सकते हैं? यस यस डेफिनेटली डियर, अभी जैसे बैटर बना रहे हो आप गैस पे कोई भी पतीला रख दीजिए, एल्यूमिनियम का रखो सबसे बेस्ट है, ढककर लो फ्लेम पे रख दीजिएगा और अंदर में कोई भी स्टैंड रखो। ठीक है, डायरेक्टली नहीं रखना है, स्टैंड रखिए और देन जैसे वो प्री हीट हो जाता है आप मीडियम लो फ्लेम पे बेक करो इसे। राखी जी बोले कभी शुगर वालों के हिसाब से भी एक रेसिपी दिखाना। श्योर, शुगर डायबिटिक, डायबिटिक हाँ फ्रेंडली। ओके, तो मे भी एक एक रेसिपी रक्षाबंधन में वो भी होनी चाहिए, ऐसे बोलना चाहती है राखी जी। सोना जी हेलो। ठीक है, मैं इस तरीके के लाइनर्स ले रही हूँ, मैं ग्राम से मेजरमेंट का स्केल है ना। ठीक है, अभी मुझे समझ में आ रहा है, नहीं कुछ अलग समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग लग रहा है। जैना जी आधी पहले मेजरमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके के देखिए, ये स्मॉल साइज के हैं, बहुत बड़े नहीं है, तो ये मैं लाइनर्स ले रही हूँ। और एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कितना बैटर हुआ है। बैटर का वेट जो है 290 ग्राम है। ठीक है, 290 ग्राम बैटर का वेट है, हम अभी इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 6 कर, 290 डिवाइड बाय 6 कर, 290 हां डिफिकल्ट बताया, 29 डिवाइड बाय 6 45। किसका मैथ्स मेरे से अच्छा है तो पता लो यार, मुझे तो लगता है कि 45 के हिसाब से आना चाहिए। 47, 290 डिवाइड बाय 6, 48.33। ओके, तो मैंने सही बोला था 49, 48 बोला था। जया जयना जी पूछ रही है, पिस्ता मफिन्स बनाना हो देन क्या करना है? सेम क्वांटिटी में आपको पिस्ता इमल्शन डाल, सॉरी पिस्ता पाउडर लीजिएगा। जैसे मैंने 20 ग्राम काजू पाउडर लिया तो पिस्ता फाइनली चॉप करके लीजिए या आप पाउडर ले लीजिए 20 ग्राम और उसमें आप इमल्शन डालिएगा। ठीक है, कितना बोला था आपने? 48 कर दो। ठीक है, ठीक है, और आपका क्वेश्चन सही था जैना जी, क्योंकि पिस्ता पिस्ता वाले भी बहुत सुंदर दिखते हैं, वो पिस्ता कलर वाह वाह। ठीक है, 48 ग्राम में ले रही हूँ एक इसमें। सोना जी मैम विल रिपीट इन सम टाइम। कमल जी ने 3 थम्स अप दिए। प्रीति जी मिल्क कोई कौन सा भी ले सकते हैं? कोई भी फुल क्रीम मिल्क ले लो। यस, ठीक है। मेघा जी हेलो। सीमा जी कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ डियर, आप कैसे हो? सीमा जी यहाँ बारिश हो रही है, अरे वहाँ कहाँ पे? यहाँ पे भी हो रही है बट इतनी गर्मी है, बाप रे बाप। और एक अच्छा क्वेश्चन है मैम, इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है? हाँ देखो अब बताती हूँ यार, रुको तो तुम, मैं सब बताती हूँ, यू डोंट वरी। मैं प्राइसिंग से लेके क्या कहते हैं ना, प्राइसिंग शेल्फ लाइफ हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, इवन पैकिंग भी कैसे करना है, हाँ, सब डिस्कस होगा। दीपाली जी मैम क्या बना रही? मैम बना रही आज काजू कतली कपकेक्स विद बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग काजू फिलिंग। ठीक है मेघा जी, खूप छान रेसिपी आणली आहे मॅम, लव यू, थँक्यू सो मच मेघा जी। इतने में देखो मेरे कितने बन गए, हाँ अप्रोक्सीमेट 6 बन गए। ठीक है, 140 ग्राम का बन गया, कोई बात नहीं। प्रीति जी बोले कि अमेजिंग हैम्पर बन रहा है प्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर। मैम
कैसे हो आप? प्रीति जी बोल रही है, आप कैसे हो? सोना जी मैम रिपीट करेंगे, डोंट वरी। आप एक बार रिपीट करूंगी, इसको हम डाल के अभी देखो यहाँ पे हर मफिन के मोल्ड को आपको अच्छे से टैप करना है, ठीक है? एयर बबल्स है तो निकल जाएंगे, टैप कर लीजिएगा। इसे हमें 160 डिग्री पे बोथ रॉड ऑन करके मिडल रैक पे बेक करना है। प्रीति सिंह जी बोले यू आर सो स्वीट, यू टू डियर। बहुत सारे इमोजीज विद हार्ट्स एंड ऑल, बहुत सारे, ठीक है। देखिए 6 बन गए हैं, एक 40 ग्राम का बना है, बाकी मैंने 48 ग्राम के बनाए हैं। 48 टू 50 ग्राम अभी देखो इससे भी छोटे मोल्ड नहीं मिलते ना, इससे छोटे शायद अच्छा दिखेगा, अच्छा भी नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि बॉक्स के अंदर जो आते हैं तो ये मेजरमेंट प्रॉपर है, मतलब कप्स भी प्रॉपर है। तो इसे मैं अभी प्रीहीट हो चुका है, बोथ रॉड ऑन करके मैंने प्रीहीट किया है, 7 से 10 मिनट के लिए इनफ है। देन अभी हम इसे मिडल रैक पे बेक करने डाल देते हैं। मैं डायरेक्टली जो हमारी रैक होती है ना स्टील वाली रैक, उसी के ऊपर रख रही हूँ। रीटा जी हेलो, रश्मि जी बोलिए मेरे डिमांड याद रखना शुगर फ्री घेवर जी। हाँ तो वही शुगर फ्री कर दो, बट जागरी वाला चलेगा रश्मि जी? दीपिका जी हेलो, 48.3 होता है, गायत्री जी भी बोली, देखा। अंजू जी आज सर मेरे कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ रहे अंजू जी, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन जब मैम बात करती रहती है तो मैम मुझे चुप करा देती है, इसलिए। जैना जी बोली थैंक यू, संजू जी हेलो, शेरडन थैंक यू सो मच, शिल्पी जी हेलो, लेट हो गया आप, कोई नहीं खाना हो गया। क्लारिसा जी थैंक यू फॉर द अनादर ब्यूटीफुल रेसिपी, थैंक यू सो मच। रेसिपी रिपीट करेंगी, डोंट वरी सोना जी। स्वाति जी ने तो पूरा कैलकुलेशन भेज दिया, थैंक यू सो मच। 43.33, 260 ग्राम था मैम, तिवारी जी 290 था, उसके हिसाब से 48.33 होता है, बट पता नहीं कहाँ गड़बड़ होगी। जैना जी लेमन जूस की जगह पर विनेगर 1/8 teaspoon डालेंगे तो चलेगा क्या? हाफ टी स्पून। दीपिका जी ये वीडियो रहेगा ना क्योंकि इमरजेंसी थी जी, सारे वीडियो रहते हैं दीपिका जी, सारे वीडियो रहते हैं, आई थिंक सब लोग वही बोल रहे हैं, आपने 260 बोला, गायत्री जी भी बोले कि 290 है, अच्छा 290 वही तो बोला मैंने, 290 का बैटर बोला ना, ये कभी नहीं देखा बैटर को भी डिवाइड किया जी। ओके मैं इसलिए करती हूँ सारे एक जैसे बनेंगे, अभी एक इसमें 40 ग्राम का बैठा है, या फिर आप थोड़ा 45 का भी करते हो तो हाँ सही बनेगा, ठीक है। यशोदा जी हेलो, कुमार जी वाव, शिल्पी जी वी वेट फॉर द सम सरप्राइजिंग हैम्पर क्लासेस श्योर। मनीषा जी बोल रही है तुम्हाला लाइव मध्ये पाहून छान वाटलं, थँक यू सो मच मनीषा जी। अंशु जी ने 2 थम्स अप दिए, 1 रेसिपी फ्रॉम मिलेट मफिन्स प्लीज, मिलेट मफिन्स वो मैम डिसीजन लेंगे, पता नहीं मुझे। दीपिका जी ओवन नहीं है तो कढ़ाई में कर सकते क्या? यस श्योर कर सकते आप। स्नेहल जी यू हैव टेकन सो मच एफर्ट्स टू टीच अस डियर, थैंक यू सो मच स्नेहल जी। कमल जी मैम प्लीज सेंड लिंक ऑफ बेकिंग मटेरियल्स शॉप श्योर, मैं अभी दे देता हूँ। भूमिका जी कितना मिनट्स बेक करना है मैम बताएंगी? 20 to 25 मिनट्स बेक करना है। प्रीति जी बोले कि मैम दिखाइए कैसे रखे ओवन में, अरे बाप रे। वो पूरा कैमरा का सेटअप लेके जाना पड़ेगा, एक्चुअली मैं हॉल में हूँ और वो कैमरा जो है अंदर मुझे लेके जाना पड़ेगा, एक्चुअली हमने किचन में बनाना बंद किया क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होता है, और ये सिंपल सी बात है, आप मेरे बाकी भी सेशन देखो, बहुत सेशंस में मैम ने कैमरा की कैसे सॉरी ओटीजी की कैसी सेटिंग करती है मैम ने बताया है। अभी हम बनाएंगे स्प्रेड, ठीक है, एक काजू स्प्रेड बहुत सिंपल है, जैसे मैंने लास्ट टाइम पिस्ता वाला स्प्रेड बनाया था फिलिंग के लिए। अब और एक बात बताओ, ये जो स्प्रेड है आप काजू केक में बनाओ, काजू कतली केक के साथ स्प्रेड कर सकते हो, ठीक है। कैन वी यूज, यस यू कैन यूज श्यामाश्री जी लेमन जूस और विनेगर हाफ टीएसपी, ठीक है, एक बार बताओ या आगे नहीं, मैं कमेंट्स ले रहा था बाद में बताना। मैम टाइम फॉर बेकिंग 20 to 25 मिनट्स,
लक्ष्मी जी प्लीज मिश्री और जागेरी दोनों का भी बता दीजिएगा अगर पॉसिबल है। जी सेम श्योर। क्या चीज? घेवर। यस यस, हम मिश्री के साथ आराम से कर सकते हैं डियर। सोना जी मिलेट कपकेक्स प्लीज। पता नहीं, नहीं मिलेट के साथ नहीं आएंगे डियर। एक्चुअली जो पेड क्लासेस है मैं नहीं सिखा सकती यहाँ पे। शिल्पी जी रात को नहीं खाती हूँ सर। थैंक यू। ओ क्या चीज? और नहीं समझ में आया, सॉरी। खाना? अच्छा प्रिया मैं नानखड़ा ही भेजती हूँ। भेजो। अरे वाह श्योर। गायत्री ललचा रही हो। मनीषा जी 290 जी। ओके तिवारी जी बोले विनेगर अगर डालना है देन आप डालना है सेम क्वांटिटी सेम सेम ठीक है। रिया जी हेलो। वंश जी हेलो। गुड इवनिंग शीतल जी। तिवारी जी मेरे मेरे सुनने में गलती हुई होगी, बेटी बाहर है तो बीच बीच में फोन आ रहा है उसका। ओ ओके नो प्रॉब्लम। मेरे सुनने में बहुत और मेरे देखने में भी गड़बड़ हो रही है। सर ने आज कैरेमल चकली बोल दिया यार। बन सकती है। खुद भी शॉक। कढ़ाई में कितना टाइम पर जाएगा? 20 मिनट। 20 मिनट लगता है, 20 से 22 मिनट में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इतना करना 20-22 मिनट के बाद आप चेक करना एक बार ओपन करके। अभी बार बार लीड ओपन मत करना ठीक है। टेम्परेचर उसका डाउन हो जाएगा फिर सही से नहीं फूलेंगे वो। शीतल जी कोई बात नहीं, सीमा जी कोई बात नहीं, आप देख सकते हो बाद में भी जो भी छूटा हुआ है और मैम बताएंगी। अंशु जी बोले इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू वेट द बैटर, इट गिव्स इवन एंड कंसिस्टेंट एंड प्रोडक्ट। दिस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा स्टेप्स आर साइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म। थैंक यू सो मच अंशु जी। प्रीति जी बहुत बड़ी बात कह दी आपने। पहले भी आपके लाइव आते थे बट कभी नहीं देखी, टाइम नहीं होता था। मैम की रिकॉर्डेड क्लासेस अटेंड किया, सुपर मैम की क्लासेस, मैम की मोस्टली क्लासेस अटेंड किया है जो ऑसम है, और मैम की ऑल टाइम हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच मैम, एंड रेसिपीज भी ऑसम होती है। थैंक यू, लव यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रीति जी। चलो नाउ नेक्स्ट प्लेट सीख लेते हैं ठीक है। जो हम सेंटर फिलिंग करेंगे, आप अभी कोई भी सेंटर फिलिंग कर सकते हो, बट मुझे लगता है ये काजू स्प्रेड के साथ ना अच्छा जा, मतलब कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली सब काजू काजू चल रहा है तो यही जाएगा सेंटर फिलिंग में तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम काजू ले लेते हैं। हमने लिया है 65 ग्राम तक आपको लेना है काजू ठीक है। अब काजू हमेशा दो टुकड़ा करके आप लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना हम मोस्टली होल काजू यूज करते हैं बट अंदर में उसके कीड़े होते ही हैं ठीक हो है? सकते हैं, होते हो ही सकते नहीं हैं। यस हो सकते हैं, और बारिश का मौसम है तब तो चांसेस ज्यादा है। क्वालिटी देखो, अच्छी क्वालिटी के भी हम अगर यूज करेंगे फिर भी चांसेस होते हैं। होल काजू का बता नहीं सकते एक्चुअली क्या होता है, कुछ भी उसको मॉइस्चर लगता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए ये स्प्रेड यूज करोगे तो खराब नहीं होंगे आपके मफिन्स। तो यहाँ पे 65 ग्राम काजू, 55 ग्राम व्हाइट चॉकलेट ठीक है। अभी बोले होंगे कि व्हाइट चॉकलेट ऐसे कैसे है, इससे चोको चिप्स, क्योंकि हमें मिला नहीं, इसीलिए मिला नहीं मिस, ठीक है। व्हाइट चॉकलेट घर का खत्म हो गया था और जिस ब्रांड का चाहिए था वो नहीं मिला, तो बेटर हमें यही लगा कि चोको चिप्स ले। अब एक मिनट में राखी जी इसलिए बैटर से इसके बैटर से केक बना सकते हैं? हाँ, यस बिल्कुल बनाइएगा, जैसे आपका 250 ग्राम तक का बन ही जाएगा आराम से स्पॉन्ज ठीक है। रश्मि जी बोले थैंक्स मैम, आप सब डिमांड पूरी कर देती है, थैंक यू सो मच। अब मैं फटाफट इसे ग्राइंड कर लेती हूँ और हमें इसका पेस्ट बनाना है, फिलिंग बनानी है। तिवारी जी बोले मतलब पिस्ता, कैश्यूज, अलमंड सब का स्प्रेड सेम बन सकता है, yes, बना सकते हैं। yes, yes, और आप हेजलनट भूल गई। हेजलनट का बन सकता है, डेट्स का भी स्प्रेड बन सकता है ना, मसल क्यों नहीं बनेगा। रश्मि जी बोले कि आपकी नेक्स्ट वर्कशॉप कौन सी आ रही है? आएगी ना, अभी मंडे को मैं लॉन्च करूंगी ठीक है।
बने रहिए स्टे ट्यून। तिवारी जी बोले सर आपने आप सर ने आपको न्यू चैलेंज दिया है मैम कैरामल चकली। यस नहीं बाबा मैं जो मैम को भेजता हूँ ना मैं मैम को इतनी चीजें भेजता हूँ मैम देखती भी नहीं है आधी से ज्यादा चीजें तो देखती भी नहीं। सही कहा। अरे अपने काम में रहती है। बढ़िया से जब तक स्प्रेड नहीं बनता है पेस्ट नहीं चाहिए हमें। ठीक है फिलिंग करने है ना। शीतल जी बोले लाइव रहेगा मैम। यस लाइव कहीं नहीं जाता है डोंट वरी। ठीक है अभी ये पेस्ट एक मिनट उमेश हाँ। ये जब हम ग्राइंड कर रहे हैं मिक्सी का जार गर्म हो जाता है सो डोंट वरी। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। होता ही है रुको तीनों जी पूछे बहुत रॉड्स पर बनाना है मैम मोटी जी की। यस शीतल जी आगे क्या बनाया अभी स्प्रेड बना रही है मैम स्प्रेड बना रही काजू स्प्रेड। ओके श्वेता जी हेलो 100% अंशु जी बोले 100% आई एग्री योर टिप्स आर ऑसम डियर थैंक यू। अच्छा मैं पाइपिंग बैग लाती हूँ। ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं मफिन्स। सोना जी बोले यस शी टीचेस लाइक फॉर होम बेकर्स टू ग्रो मोर हर रेसिपीज आर परफेक्ट थैंक यू सो मच। दीपिका जी हेलो। अंशु जी गुड आइडिया टू यूज चोको चिप्स एज दे डू नॉट मेल्ट दैट फास्ट व्हाइल ग्राइंडिंग इट इट इज अ बेटर ऑप्शन। यस दोनों हो जाएगा काम। ज्योति जी बोले मैम 2M या वैन लेयर दोनों में से कौन सा बेस्ट है टेस्ट वाइज। वैन लेयर मैं वैन लेयर का मेरे पास 10 किलो का पूरा पैक रहता है। दो हफ्ते पहले मैंने एक डाला था कोई इसमें राइट। हाँ मैंने डाला है ना कि कौन सा प्योर चॉकलेट और क्या कंपाउंड के बारे में तब मैंने अनबॉक्सिंग दिखाया था। मैं 10 केजी का चॉकलेट का बॉक्स लाके रखती हूँ डार्क वाला। एक्चुअली वैंडिर का ये है ऐसा नहीं है मैं कोई भी ब्रांड की यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। मैं सारे ब्रांड यूज करती हूँ उसमें से जो मुझे अच्छा लगता है और हमेशा चेंज करते रहो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है वो यूज कर। ठीक है तिवारी जी बोल रही की हेजलनट जी। मुक्ता जी कोई नहीं आप बाद में भी देख सकते हैं। कविता जी शेयर डन थैंक यू। सीमा जी कैन यू रिपीट क्या ग्राइंड कर रहे हैं। जी मैम कर रही हूं मैं अभी ना ये स्प्रेड बनाने के बाद मैं एक बार रिपीट करती हूँ और उसके बाद हम बटर क्रीम बनाएंगे। ठीक है गायत्री जी मेरा कमेंट भी पड़ा था अदला बदली वाला नान खटाई भेजती हूँ आप मफिन्स भेज दो। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम इस कपकेक के वेरिएशन क्या आएंगे बहुत सारे होंगे मैम। तिवारी जी ने अभी भी बोला पिस्ता चूज कर सकती हो आलमंड हेजलनट। यस शीतल जी मैम आपने जो ये स्प्रेड बनाने सिखाया है वो शायद किसी ने कहीं नहीं सिखाया होगा। बिग थैंक्स थैंक यू सो मच। अरे वाह मतलब आपने नोटिस किया है डबल वॉइस आ रही है। ओह माय गॉड थोड़ा एक सेटिंग करते दो मिनट थोड़ा सा। अरे मुझे डर लगता है अभी। अरे बैंक है मेरे दिल आ गया। अच्छा हुआ मैं पीछे नहीं था। थैंक यू सो मच कविता जी। नीतू जी बोले कि मैम थ्री लेयर केक भी सिखाओ प्लीज और पैकिंग भी। लाइव में बहुत लाइव में डिफिकल्ट होता है। लाइव में असेंबल करना सिखा सकते हैं लास्ट मोमेंट पे
जो मैम ने कभी बताया भी होगा राइट। टू टीयर का मैं अभी डाल दूंगी, कल डाल दूंगी टू टीयर का। ठीक है, स्प्रेड भी हमारा रेडी है, मफिन भी ऑलमोस्ट रेडी है, बटर क्रीम बनाते हैं अभी। अब देखो बटर क्रीम जो है सबकी गले से नहीं उतरता है। टू टुडे जी, वो मे बी मैम जब ग्राइंड कर रही थी उसके वजह से हुआ। तिवारी जी बोले कि सब क्लियर है। ओके मैम, व्हाइट चॉकलेट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं डियर, ये स्प्रेड खराब नहीं होता है। मैंने इसलिए बताया है कि आप ये स्प्रेड कहीं पे भी यूज करो, चॉकलेट में यूज करो, तो क्या होगा, खराब नहीं होगा अगर आप इसमें 1% भी पानी डालते हो। ज्योति जी बोले कि मैम कुनाफा चॉकलेट का रेट निकाला था क्या? उस बॉक्स का, उस जो हैम्पर बनाया था, 9 चॉकलेट्स हमने, 9 चॉकलेट का हैम्पर का प्राइस था 500 रूपए, मैम ने वो रखा था। इसी हाई कर देना। अब हम बटर क्रीम बनाते हैं। ठीक है, अभी बटर क्रीम सबको पसंद नहीं आती है, बट ये जरूर ट्राई करना, कुछ नहीं कभी कभी अच्छे लगते हैं, थोड़े हैवी होते हैं। और आई थिंक बटर क्रीम इज, अभी देखो कंपैरिजन नहीं हो सकता, बट व्हिप क्रीम से तो अच्छा ही है। हाँ, मैं प्रेसिडेंट बटर यूज कर रही हूँ। आप अरे बोल लाती हूँ, मैं बिग बोल लाती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, है ना, तो थोड़ा। अच्छा रुना जी ने, ओके कोई नहीं, हमने फिर से वो कर दिया तो ठीक है। स्प्रेड कैसे स्टोर कर सकते हैं और कितने दिन तक? बाहर ही स्टोर करना, एयरटाइट कंटेनर में, और चेक करते रहो। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे ही छोड़ दिया 15-20 दो एक दो महीने के लिए, तो देखो मे बी, देखो इसमें कुछ हमने प्रिजर्वेटिव नहीं डाले है। हाँ। और अभी जो मौसम चल रहा है उसमें फंगस जल्दी लगता है। ठीक है, पानी से दूर रखना, पानी से भय है इसको। पानी से भय है। वो किसी ने देखा है क्या? पानी से बचकर रखना चाहिए। हाँ। बचाना चाहिए इसको। भूल भलैया का सीन एकदम से आ गया, पानी से दूर रहना। अब यहाँ पे मैं बटर क्रीम बना रही हूँ। ठीक है, अच्छा स्प्रेड की नहीं, कपकेक की वेरिएशन, मैंने कपकेक की वेरिएशन ही बताई, सेम वही होगा जो मैंने बताया। पिस्ता बना सकते हो, मैंगो बना सकते हो, बहुत सारे। बीतू जी बोले आलमंड बना सकते हो। मैं असेंबल एंड पैकिंग ही सिखा दो। हाँ श्योर श्योर, ये इसके बोल रहे हो क्या? यस, ये तो फाइनल तक सब पैकिंग तक सब रेट वेट सब बताऊंगी। अब बटर क्रीम बना रहे हैं, प्लीज हाई किया क्या? हैरी जी बोले कि बटर क्रीम टेस्ट, या आप काम कर रहे हो इसलिए आपको गर्मी होती है, आपको अभी एक नया एसी लेना चाहिए। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 125 ग्राम अनसॉल्टेड बटर, अनसॉल्टेड प्रेसिडेंट का बटर मैं ले रही हूँ। ओके मनीषा जी बोले कि आलमंड फ्लेवर के लिए ब्लांच आलमंड यूज करना है? नहीं, बट आराम से लगाओ। स्किन के साथ भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है डियर। ठीक है, ब्लांच करके उसको करोगे, जरूरत नहीं ब्लांच करके करने की। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने बटर क्रीम बनाना है, तो हमने लिया है 125 ग्राम प्रेसिडेंट का अनसॉल्टेड बटर। ठीक है, आपको मिल्क मिस्टी का भी एक आता है, मिल्की मिस्टी कुछ समथिंग लाइक दैट, वो भी ले सकते हो, या फिर अमूल का भी ले सकते हो, अनसॉल्टेड लेना। बीट कर रही हूँ मैं इसे, रुको मफिन्स हो गए हैं, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं तो वो करती हूँ। रश्मि जी लखनऊ में प्रेस्टीज नहीं, प्रेस्टीज बटर नहीं है, प्रेसिडेंट बटर है रश्मि जी, तो प्रेसिडेंट बटर मिलेगा लखनऊ द बिग सिटी ना, मिल जाएगा। आप बिग बास्केट पे देखो, बिग बास्केट तो होगा ही उधर। हाँ थोड़ा निकल के रख दो ना। हाँ मिलेगा, आप जरूर मिलेगा, मैं सर्च करके भेजता हूँ आपको।
रश्मि जी आप अमूल भी यूज कर सकते हो, अनसॉल्टेड यूज, बट एक बार प्रेसिडेंट बटर यूज करो, घर वालों को खिलाओ और बताओ नहीं कि इतना महंगा है, पहले खिलाओ और नेक्स्ट टाइम बोलेंगे कि यही बटर यूज करो। बहुत अमेजिंग आता है ये, देखिए फ्लफी हो गया है, बढ़िया सा कलर भी इसका चेंज हो गया है ना। अब हम डालेंगे आइसिंग शुगर, आइसिंग शुगर आपको डालना है थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ मत डालना, ठीक है। मैंने 190 ग्राम लिया है। सोनिया जी बटर क्रीम का फ्रॉस्टिंग करेंगी मैम। मनीषा जी आलमंड स्प्रेड में क्या ब्लांच ही लेना है ना? सॉरी ब्लांच ले लो या फिर आलमंड पाउडर ले लो, मैं वो मफिन ला लेती हूँ। दीपाली जी मैम ये कांच का बॉल टूटेगा नहीं बीट करने से? नहीं, हार्डन रहता है, नहीं टूटता है। रश्मि जी मैम बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग सिखाने के लिए थैंक्स। ओके थैंक यू सो मच। धुरु जी हेलो, रश्मि जी ओके, पर्ल जी हेलो, कैसे हो आप? कितने प्यारे फूले हैं, है ना, एकदम सब सेम क्वांटिटी सेम हमने डाली थी, सिर्फ एक में 40 ग्राम था तो वो थोड़ा छोटा हो गया, बाकी एकदम सही है। अभी फैन शीतल जी बोले कि सब जगह मिलेगा, बट यस बट मेरा हमेशा बट रहता है, अब अमेजोन से भी मंगा सकते हो, बट थोड़ा महंगा है। ममता जी क्या बताया आज मैम ने बताया, ये मफिन्स और काजू, ठीक है, काजू कतली मफिन या काजू मफिन बोलो, ये मफिन्स रेडी है। इसको पूरी तरीके से पहले ठंडा होने दीजिए, हमने स्प्रेड बनाया है काजू स्प्रेड और बटर क्रीम का अभी चल रहा है, ठीक है। मैं अभी फैन के नीचे इसे रख देती हूँ, फैन हाई कर आणि थोड़ा स्टैंड वर करावी, लवकर झाले पाहिजे ते थंडे, ठीक है। पैन के नीचे रख रही हूँ जब तक वो ठंडे नहीं होते हैं। देखो बटर क्रीम है मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, तो आप जरा ध्यान रखना, जब तक ठंडे नहीं होते हम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि ग्राम मैं ले रही हूँ आइसिंग शुगर, बट एक साथ नहीं डालना है। पहली तो बात तो आइसिंग शुगर को छान लीजिए, अच्छे से छान लेना है, गुठलियां ना रहे, और इसे थोड़ा 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 डालिएगा, ठीक है, 5-6 पार्ट में डालना, इसे एक साथ बिल्कुल मत डालना। मैम टायर केक केक के ऊपर एक स्टैक करने में मेरे ऑलवेज टूट जाता है, बीच से डॉवेल लगा दे फिर भी, क्या आप रेसिपीज ऑफ स्पॉन्ज सिखाएंगे? सोना जी एक्चुअली मैम की क्लास है स्पॉन्ज की, तो वो तो से बनाते हो क्या डियर? वो तो नहीं हो पाएगा। मैं टिप दे सकती हूँ, आप अगर रेडीमेड प्रीमिक्सेस से अगर स्पॉन्ज बनाते हो तो टिप ये है कि जब भी आप स्पॉन्ज बनाते हो ना, स्पॉन्ज बनने के बाद जैसे रूम टेम्परेचर पे आ जाता है उसे क्लीन रैप कीजिए और एटलीस्ट 1-2 घंटा आप फ्रिज में रखिए, ठीक है, बहुत बढ़िया से सेट हो जाता है, उसमें से ना क्रम्स निकलेंगे और बहुत बढ़िया से आपका, जब भी आप टीयर केक्स बनाते हो ये जरूर करना, ठीक है। मैं भी करती हूँ, मैं अगर ऐसे बड़े ऑर्डर्स रहते हैं तो रात में ही बना के रखती हूँ स्पॉन्ज और उसे क्लीन रैप करके फ्रिज में डाल देती हूँ, बढ़िया से क्या होगा सेट हो जाते हैं। बटर क्रीम मेंट बहुत जल्दी होता है, सो तिवारी जी बटर क्रीम हमारे इंडिया के एनवायरमेंट के लिए वो राशि नहीं आएगा, राइट, हमारे यहाँ पे गर्मी है तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते।
शिल्पी जी बोले ये कितना टाइम लिया है मफिन्स होने के लिए? 20 मिनट, मेरे तो इसमें ओटीजी में 20 मिनट में हो गया है 160 डिग्री पे, ठीक है 160 डिग्री पे 20 मिनट में हो गया। आप अपने ओटीजी के अनुसार जाइएगा। संगीता जी बोले कि आरिफ में भी मिलता है, यस आरिफ में मिलता है वो रखते हैं। माया जी मैम क्या सिखा रहे हैं एंड रिपीट द रेसिपी, मैम रिपीट करेंगे रेसिपी डोंट वरी। तुझे बोले मैम मफिन्स भी सिखाया है क्या? हाँ सिखाया है ना डियर, वो एक्चुअली कपकेक बोल सकते हैं। स्वाति जी बोले क्या करे बटर क्रीम मेल्ट ना हो इसमें फ्लावर एटीसी कैसे बनाए फ्लावर एक्सेट्रा बता दीजिए कभी। फ्लावर्स मीन्स वो वाली फ्लावर्स, फ्लावर बोली फ्लावर, अच्छा फ्लावर्स बनाना। तिवारी जी डिफिकल्ट है इसमें फिर आपको स्टेबिलाईजर डालना पड़ेगा। बोले 120 ग्राम बटर एंड 125 ग्राम बटर एंड 190 ग्राम आइसिंग शुगर। हाँ यस ओके, 1:3 का रेशो है, कप से अगर नापा जाए तो 1 कप अगर बटर है तो 3 कप आपको आइसिंग शुगर लेना है, ठीक है। अगर ग्राम से कप का ग्राम में जब मैंने कन्वर्ट किया तो 125 ग्राम बटर और मैंने कम क्वांटिटी में लिया है एक्चुअली हाफ कप और डेढ़ कप आइसिंग शुगर, ये हिसाब से लीजिए। तो 125 ग्राम बटर और बटर आपको रूम टेम्परेचर पे लेना, अभी रूम टेम्परेचर मतलब मेल्टेड नहीं, ठीक है थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा अच्छी बात है। और 190 ग्राम सोना जी बोले सर आल्सो हैव अ नॉलेज ऑफ कुकिंग एंड बेकिंग लाइक यू आल्सो प्रो टीम इन सेक्शंस। नहीं है इतना नॉलेज, मैं बस सुन सुन के जितना भी आता है मैं बता देता हूँ। दीपिका जी बोले बिना वॉफल मेकर के भी वॉफल बना सकते हैं क्या? अप्पम मेकर में बनाओ फिर, गुड आइडिया अप्पम मेकर में बनाओ। देखो मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ थोड़ा, करीबन हाफ टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। संतोषी जी बोले वी कैन यूज दिस बटर क्रीम ऑन द केक्स, यस बट आपकी जगह पे गर्मी होगी तो वो मेल्ट हो जाएगा। सो ऐसा नहीं कि मैम ने बनाना सिखाया तो डायरेक्टली यूज करे, अपना भी थोड़ा थोड़ा सोच समझ के ही कीजिए, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे ना मैं थोड़ा टेस्ट कर रही हूँ, मैं टेस्ट इसलिए कर रही हूँ बटर क्रीम कि अगर आपको लग रहा है कि ये फ्लेवर कैसा है इसमें, ठीक है अगर वनीला इसे आपको और डालना, मैंने तो हाफ टीस्पून डाला, अगर आपको बढ़ाना है तो पहले टेस्ट करो। सच में अच्छी है यार, 10 बज गए हैं। नहीं मैं बात एकदम परफेक्ट है, आप बोलोगे वाह कितनी बढ़िया बटर क्रीम है ना, बहुत ही ऑसम बहुत ही बढ़िया बटर क्रीम है, एक बार जरूर बनाना। हाँ
मैंने कहाँ खाया है मुझे वो याद नहीं आ रहा है। हाँ जो डोनट्स में रहता है। ये बटर क्रीम ट्राई करना ठीक है। दैट वन होता है ना डोनट वाला, एक ब्रेड के अंदर वैसे ये बटर क्रीम था। अच्छा वही लग रहा है। थैंक यू याना, बहुत बड़ी तुमने कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे। वही लग रहा है। पूजा जी हेलो, एक बार वो बना लेना। अच्छा पूजा जी हेलो ठीक है। तो हाफ टीएसपी वनीला एसेंस इनफ है इतना बटर क्रीम बनाने के लिए ठीक है। अब और एक बताती हूँ आपको, अगर फ्रेश क्रीम डालना है तो 1 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डालिए। यहाँ पे मैं स्किप कर रही हूँ ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें डालने की जरूरत है। सोना जी बोले नो मैम, नॉट फ्रॉम प्रीमिक्स, फ्रॉम स्क्रैच ऑयल बेस्ड स्पॉन्ज, बिकॉज प्रीमिक्स वाला कोई प्रिफर नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, तो जो मैम ने एक टिप दी थी कोई भी ठंडा होने के बाद उसको क्लीन ब्रैप से कवर करके फ्रिज में रखना है 1 आवर सेट होने के लिए। उससे क्या होगा, क्रम्बल्स नहीं निकलेंगे, ठंडा हो जाएगा, थोड़ा हार्ड हो जाएगा एंड देन आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हो। देखो ठंडा हो गया क्या, इतनी टेस्टी बटर क्रीम है। 2 मिनट हो गया, इतना बढ़िया टेस्ट है इसका। एक बार फिर से मैं बीट करती हूँ ठीक है। शीतल जी बोले कि याना कहाँ है, उसको देखे बहुत दिन हो गए। कुटला पन एक दे जो छोटा है ना एकदम, तो मैं लगा ऐसे भी तो बॉक्स में हमें 4 ही डालने हैं। गायत्री जी बोल रहे है कि प्रिया मुझे आपने अपने इंडक्शन का लिंक भेजना प्लीज डियर। श्योर हाँ। मैम डाल देंगी गायत्री जी और भेज भी देंगी। अंदर से गर्म ये होगा पूरा। भावना जी यू आर सुपर्ब, एवरी टाइम यू कम विद अमेजिंग रेसिपीज फॉर द फेस्टिव सीजन एंड मेनी मोर। गॉड ब्लेस यू बोथ एंड याना। गरम है सो मच, गरम है अंदर से, काफी गरम है। आप एक काम कर सकते मैडम, छेद करके रख दो तो क्या वो ठंडा भी हो जाएगा ठीक है। पूजा जी मैम, हाउ इज द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रो 48 लीटर मार्वल ओटीजी आई वॉन्ट टू बाय? वो नहीं पता। फिर मेरे पास जो है ना, मेरे पास जो है वो बोरोसिल का 60 लीटर का है। ठीक है पहले वो नहीं पता मुझे, उतनी आइडिया नहीं है। आप जो लाइव में हैं उनसे आप लोग बताओगे, आपके पास अगर है तो बताओ कि कैसा है। मुझे तो बोरोसिल का ही बेस्ट लगा ठीक है। तो हमारी बटर क्रीम रेडी है, हमारा स्प्रेड रेडी है और हमारे मफिन्स भी रेडी हैं जो कि बनने जाएंगे कपकेक्स ठीक है। तो बटर क्रीम में कमल जी अमेजिंग सेशन मैम एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच। उर्वशी जी सुपर। अंजु जी मैम बटर क्रीम से शुगर कितनी डाली है? बताती हूँ अभी हमने क्या किया। उर्वशी बोले कि माइक्रोवेव में कैसे बनाए, सेम ही मीन्स 160 डिग्री पे। कितने लीटर का है आपका माइक्रोवेव? 160 डिग्री पे करो ठीक है। और एक चीज मैम हमेशा बताती है, अगर आपके पास ओटीजी या माइक्रोवेव, एक 200-250-300 रुपीस का वो थर्मामीटर आ जाता है, ओवन थर्मामीटर, वो ले लीजिए ठीक है। उससे आपको आपका ओवन का, माइक्रोवेव का, ओटीजी का कितना टेम्परेचर है वो पता चलता है। सो 160 डिग्री हम बोल सकते हैं कि इट्स अ परफेक्ट फॉर बेकिंग केक्स। दीपिका जी वाफल मेकर के बिना वाफल सिखाओ दी। देखो वाफल मेकर पता, एक मिनट मुझे बोलना है, वाफल मेकर पे मुझे इतनी गाली पड़ी है, इतना मुझे सुनाया गया है, कम से कम एक मिनट लेट मी स्पीक इट्स माय टाइम नाउ, इट्स माय टर्न ठीक है। तो इतनी गाली पड़ी है, आखिर मैंने दिया लेके, तो हमने एक दो सेशंस लाए फिर उसको पैक करके अंदर रख दिया। लास्ट टाइम आपने वॉफल मेकर से क्या बनाया पूरी था? क्लास ली है मैंने, इतना एक साल हो गया।
अच्छा तो तुम क्या मुस्लिम क्लास लाओ क्या? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, घर पे यूज करते हो। होममेड वफल प्रीमिक्स का मैंने पूरा क्लास किया है, उसमें कितने सारे हमने वफल प्रीमिक्स सिखाए हैं जिनको पता है उनको पता है, पीडीएफ भी दिया था मैंने। अमिता जी हेलो, बलगेन जी हेलो, पूजा जी बोले मैम पूजा जी नहीं पता अग्रो मार्वल का, इसका रेसिपी मैम आज ही अपडेट करेंगी मोस्टली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, स्टील थोड़े थोड़े वार्म है, बटर आइसिंग आइसिंग शुगर कौन सी होती है जी? मवाना का मैंने लिया है आइसिंग शुगर, मवाना की मैंने आइसिंग शुगर लिया है। देखो अभी होममेड आइसिंग शुगर बनानी है तो सिंपली क्या करो, 1 कप शुगर ले लो, उसमें आप 1 से 2 टेबलस्पून डालो कॉर्नफ्लावर, ठीक है, और उसे बढ़िया से ग्राइंड कर लेना, ठीक है। इसका भी मैम ने एक रील बनाया हाँ, डाला इसका था। भी रील है मेरे पेज पे, फिर से डाल लो ना फिर। ठीक है, अब मैं जो हमने कैशू स्प्रेड बनाया है, आवाज ठीक से आ रही है ना? आवाज ठीक से आ रही है, कोई बता दो आवाज ठीक से आ रही है? आ रही है ना, मुझे पता नहीं ऐसे लग रहा है। चलो आ रही होगी, आ रही हो ना? हाँ चलो, हाँ पढ़ो, क्या पढ़ना है? प्रेसिडेंट बेटर यस, ऋषि कन्वेक्शन वाला माइक्रोवेव में कैसे बनाए? सेम 160 डिग्री पे। बटर कितने वाट का, बीटर कितने वाट का लेना चाहिए? बजाज का बीटर लीजिए 250 वाट का, बहुत बढ़िया है। श्याम जी कब गया? सॉरी यस यस यस, हाँ कुछ कमेंट्स मिस हो गए, सॉरी कुछ नहीं कर सकता। इसके अंदर मैं फीलिंग जो स्प्रेड है कुछ क्या बोल रहे थे, ये इसको क्या बोलते हैं, ये एप्पल का सेंटर का निकालने का है टूल, बस कुछ नहीं, आप सिंपल नोजल ले लो, उससे आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर कर लिया, नोजल की सहायता से कर लो। इसके अंदर हमने डाल दिया है फिलिंग, कौन सी फिलिंग बनाई थी हमने? काजू की फिलिंग बनाई थी, ठीक है, काजू स्प्रेड। व्हाट हैपेंड, इट साउंड्स लाइक बारिश हो रही है, हमारा बारिश वाला फैन शुरू हो गया था इसलिए वैसे लग रहा था। और अभी भी बाहर बारिश हो रही है। तो सब में मैं काजू स्प्रेड जो हमने होममेड अभी बनाया है वो मैं डाल रही हूँ। एप्पल कॉर्नर यस। लीना जी मैम आपकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कौन सी क्लास के पीडीएफ चाहिए, फ्री वाले? तो मैम को मैसेज कीजिए। देखो उसमें भी मैं बताती हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप करो यार, प्लीज। हाय हाय है यार, फिर भी इतनी गर्मी गर्मी हो रही है। ठीक है, ये बच गया है, मैं चॉकलेट में यूज करूंगी या कोई भी, इसमें आप इवन केक्स में भी यूज कर सकते हो ये स्प्रेड, स्टोर करके रखो मस्त। एक्चुअली गायत्री जी वो फैन मैम का ऐसा है ना, इधर ही सब कुछ करना है, मीन्स इधर ही आपको कुकिंग भी करनी है, हमारा फैन हेलीकॉप्टर फैन भी लगाना है, और फिर उसे ठंडा भी करना है, तो आवाज तो आएगी ना? हाँ। अभी बोल रही कि सही आवाज आ रहा है, क्लियर या? ठीक है मैम को मैं कब से बोल रहा हूँ एसी चेंज करवा लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है यार, गर्मी हो रही है आपको? तो मैं सहन कर सकती हूँ, उतना गर्मी क्यों हो रही है बताता हूँ, आप बना रही हो, आप बात कर रही हो, तो वो मल्टीटास्किंग में ऐसे ही होता है। गायत्री तभी लाइव सेशन में, अमूल के लाइव सेशन में पसीना कितना पोंछ रही थी बेचारी, कितनी गर्मी हो रही थी, है ना गायत्री? एनर्जी इतनी जाती है। ओके ओके, अब कोई कमेंट्स नहीं है, अच्छा लग रहा है मुझे, इधर रख देती हूँ। ठीक है, अब कुछ कमेंट्स है तो बता सकते हो? पहले मैं एक ट्राई करती हूँ, अगर ये छोटे वाले पे करना और रुकना। ठीक है, 8 नंबर की नोजल मैंने लिया है, ये छोटे वाले पे करती हूँ, नहीं होगा बोलना मेल्ट, ऊपर वाली नहीं होगी मैडम, क्या नहीं होगी, दिख रहा है ना? गायत्री जी बोले अरे बहुत ह्यूमिडिटी थी, एसी 18 पे था तो भी बहुत, मैं ये बारे अपने इधर वही इशू, अभी क्या करे। 8 नंबर का मैंने नोजल लिया है, आप जो चाहे लीजिए, मुझे ये बहुत प्रीटी लगता है। हेलो पिंकी जी, यस कपकेक आर मेड फ्रॉम स्क्रैच, यस। अंजलि जी मैम आइसक्रीम प्रीमिक्स का लिंक दीजिए प्लीज। अंजलि जी अभी 2-3 साल पहले सिखाया था, आपको ढूंढना पड़ेगा, आप कीजिए आइसक्रीम प्रीमिक्स ऐसे कुछ सर्च। अरे वाह, ये तो बड़ा मस्त लग रहा है, और क्या मस्ती मस्त है। ओके
अभी और एक करती हूँ मैं। दीपिका जी आप लेके जाओ, आपका एड्रेस दो मैं दे देता हूँ वॉफल मेकर। नहीं मम्मा और बनाएगी। मम्मा क्या गायत्री जी बोले मुंबईकर्स आर वेरी हॉट प्रिया। जी सीरियसली शिल्पी जी बोले लुकिंग ऑसम वाव सो ब्यूटीफुल। जी मैम को बोल रहे हो? मफिन्स को बोल रहे हैं, कपकेक्स को बोल रहे हैं। ओके जी अच्छे तो लग रहे हैं मैम। इसमें हम कलर भी डाल के कर सकते हैं क्या? कलर वाला भी, बट मुझे नहीं करना है ना कलर। हाँ मैं जस्ट पूछ रहा, ये दिस इज क्रीम कलर ना, क्रीम कलर और मोती कलर, मोती पर्ल कलर। फ्रॉस्टिंग डिजाइन इज सुपर, थैंक यू, खूब सुंदर। मनीषा जी बोले मैम नोजल नंबर कौन सा? 8 नंबर। गायत्री मैम हमारे घर के बहुत दूर रहते, कम से कम 4 या 5 घंटे लगेंगे मुंबई के मुंबई में। गायत्री मैम एक रहते हो? गायत्री मैम एक कोने में रहते हैं, हम दूसरे कोने में। सो हम मुंबई में नहीं रहते, हम नवी मुंबई में रहते हैं। गायत्री जी आप कहाँ पे रहती हो? रितिका जी बोले हेलो एवरीवन, हेलो। आज क्या बन रहा है मैम? आज बन रहा है कपकेक्स विद बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग, काजू, हमने काजू कतली कपकेक्स बनाने हैं। तो स्वीट है ही भाई जी। जी ओहो ऋषि वाव माउथ वाटरिंग, अभी मैं क्या बोलूं, मैं कम खाता हूँ स्वीट्स कपकेक्स, बट आज लग रहा है कि खाना पड़ेगा। कि बटर क्रीम इतनी टेस्टी बनी है, एक वर्षा जी ये सेल कर सकते हैं, बट बटर क्रीम का प्रॉब्लम होता है। कुछ नहीं होगा, फ्रिज में रख दो ठीक है, बटर क्रीम 5 मिनट में सेट हो जाती है, दैट्स इट, फिर कस्टमर को दे देना। गायत्री जी बोले मीरा भाईंदर, यस काफी दूर है। दादर से कितना टाइम लगता है? मीरा रोड ना, मीरा रोड में मेरा एक कलीग रहता है। गायत्री आऊ मैं? कब आऊ? मैम नहीं आ सकती अकेले। नहीं मैं अकेले नहीं जाती भैया, सच में नहीं जाती मैं कहीं अकेले। लुक डिलीशियस जी। ज्योति जी बोले मैम फ्रॉस्टिंग बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही है? नहीं आप अगर खाओगे ना, और इसको कैसे खाते हैं हम निकालेंगे, ज्यादा तो स्वीट नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं निकालेंगे, डोंट वरी, ये आपकी चॉइस है आपको कैसे डिजाइन बनानी है। मुझे ये एक मैं बेसिक थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो, लुक सो ब्यूटीफुल, और बाकी है इसके ऊपर डेकोरेशन करना। आई डोंट नो यार ठीक है, व्हाट हैपेंड? पिंकी जी मैम वंस आई वांट टू मीट यू यू इन रियल लाइफ व्हेन यू कम इन टेक्नोलॉजी विच इज इन सेप्टेम्बर। श्योर पिंकी जी, कहाँ से हो आप? मुंबई से ही हो या फिर? मैम बताएंगे जिस दिन में मैम केकोलॉजी में आने वाली है, गायत्री जी भी आने वाली है, तो मिलते हैं। गायत्री जी बोले मोस्ट वेलकम डियर सोनिया जी, दी बटर क्रीम वनीला चॉकलेट कैसी भी केक पर ऊपर यूज होती हो जाती है, यस बिल्कुल डिलीशियस माउथफुल। सोना जी बोले गायत्री जी मैं भी नहीं जाती अकेले। गायत्री जी बोले इतल जी हेलो मैम हाउ आर यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इसके ऊपर अभी डेकोरेशन करना है। प्रगति जी बोले वाव नाइस, रश्मि जी गुड इवनिंग, गायत्री मैम मैम आई एम लेट टुडे, इतल जी जी हां प्लेटर है विच प्लेट कोई भी ला लो प्लीज। टेक्नोलॉजी में मिलो सब हम दोनों आएंगे, यस सच में बहुत मजा, कोई भी ला लो बहुत मजा आएगा। नो लॉन्ग वाला लाओ, थोड़ी सी खाली बटर क्रीम बची है, मतलब मैंने जितना मेजरमेंट बताया ना उससे आपको 8 आपके कपकेक्स तो बने जाएंगे। थैंक यू। अभी हम थोड़ा और डेकोरेशन करेंगे ठीक है, काजू कतली वाले है भैया। यस श्वेता जी हेलो, स्वाति जी बोले हाँ हो ओ हो मैम अभी पुणे मुंबई से लेडीज ट्रिप पर जा, ओनली लेडीज एंड किड्स, जा रहे हो आप किधर? पुणे मुंबई से लेडीज ट्रिप पर जा, ओनली लेडीज एंड किड्स, सही है? हम नहीं जा सकते। गुड इवनिंग, जा सकते हो, जाना चाहिए आपको। शीतल जी खाने से ओके
खाने से क्रीम क्रीम जैसा नहीं लगेगा ज्यादा मैम। अच्छा डियर देखो ना, आप सिंपल करो ना, नहीं इतना करना है तो सिंपल करो, कोई दिक्कत वो भी नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पिंकी जी बोले कि मुंबई लालबाग, अरे वाह नाइस, लालबाग, लालबाग तो अभी पास ही है दादर से और गोरेगांव से, गोरेगांव में जनरली रहता है वो पिकोलॉजी, हो ना मैम। हाँ। मैं एक ही बार गया था, हाँ एक या दो बार गया था मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट मुझे इतना याद है कि मैं एक बार गया था गोरेगांव में, मेरा एक AWS का समिट था, फर्स्ट समिट था मुंबई में AWS का, वहां पे गया था, सवेरे 6 बजे उठ के 9 बजे हमें पहुंचना था, तो 6 बजे उठ के तैयारी करके 7 बजे यहाँ से निकला था, और ठंड के टाइम में नहीं, मई में था, कब था याद नहीं आ रहा। पहले हम यहाँ से कुर्ला गए, कुर्ला से घाटकोपर गए, घाटकोपर से लोकल मेट्रो ली, अंधेरी उतरे, अंधेरी से फिर रिक्शा से गए और फिर वहां पे जाके पहुंचे, और दिन भर उधर उधर इतना खाना खाया उस दिन, जैसे मैं मेटा में गई थी उस तरीके का। सोनिया जी बटर क्रीम में कलर मिक्स कर सकते हैं, यस योर चॉइस। सितंबर में ही है ना मैम? हाँ मोस्टली। आपने पार्ट लिया क्या केकोलॉजी में? नहीं मैं नहीं लेती हूँ, नहीं लेती हूँ मैं। अंशु जी वेरी नाइस, लीला जी हेलो, स्वाति तिवारी जी हाँ जी सर सही है, संगीता जी वाह यम सही है, लुकिंग सुपर, बलकेश जी बोल रहे आई हैड क्लास, आई हैड क्लास जी जायोलॉजी, जी जाइलॉजी, जियोलॉजी, जियोलॉजी होगा, आई हैव एग्जाम ऑन 5th, ओ गुड लक फॉर योर एग्जाम, यस आई हैव एनरोल्ड, दैट नाइस। यशोदा जी हमने किया है मैडम, किया है ना शायद, हाँ मैंने भेजा है आपको, क्या चीज, केकोलॉजी का रजिस्ट्रेशन मैंने किया है शायद, मुझे देखना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम वॉच यूर लाइव टुडे, थैंक यू सो मच नीरू जी, कैसे लगा आपको लाइव? मित्तल जी हाय शेयर डन, थैंक यू सो मच। तिवारी जी बोले एक ग्रुप है 13 को, वन डे ट्रिप है, कोकन 3 डेज और कश्मीर भी जा रहे हैं, और जबरदस्त ऐसा चाहिए और हमारे यहाँ पे घर से बाहर नहीं निकलते ना। अच्छा, जी वाह जैना जी वेरी नाइस यम्मी रेसिपी जी, लुकिंग टेम्पिंग जेनोलॉजी, सॉरी जेनोलॉजी, ओके जैन जेनोलॉजी, दैट्स नाइस, गुड लक। माउथ वाटरिंग जी, माउथ बॉक्स का बताती हूँ और कट करके भी दिखाती हूँ, बहुत प्रीटी दिखता है। थैंक्स मैम, अरे बहुत ही, ये अभी पता हो इसका प्राइसिंग क्या होगा, ये कम से कम 70-75 रुपए में आपको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि असोर्टेड लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो कप्स है वो भी काफी अच्छे लग रहे हैं, और कप के ऊपर वो जो क्रीम है वो भी अच्छा लग रहा है, और जो ऊपर जो 3 लगे है स्टार काजू कतली है, स्टार मीन स्टार ऑफ दिस कप केक, ऐसा मुझे बोलना था, ठीक है। काजू कतली होममेड है? नहीं नहीं नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला सब चीजें होममेड नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, मैं तो घर में बनाती हूँ, इवन क्लासेस भी है मेरे रायसी। नेक्स्ट लाइव कब होगा? नेक्स्ट लाइव कब होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइव में हम लेके आएंगे कैनवा या फिर नहीं, मैं आपको गुस्सा आ गया, मैंने सिखा रहा हूँ कैनवा आपको। अच्छा अच्छा, देखा देखा, स्क्रीनशॉट निकालो मैम के इसका। अच्छा अच्छा निकालो अभी, क्या वाओ स्पीचलेस, यस ये बहुत ही मस्त होगा, ठीक है। नो डाउट, बॉक्सेस देखिए इस तरीके के, कितने का है? 25 रुपए का है, ओनली 25 रुपए का इतना बड़ा बॉक्स। नहीं मुझे, मैं भी कुछ शौक था, मैं शौक थी कि हाइट बहुत बढ़िया है यार इसकी, सच में अच्छा, मुझे तो बहुत प्रीटी लगा। याना का अभी आफ्टर डिनर स्वीट रेसिपी, स्वीट डिश का इंतजाम हो गया आज। नहीं सर सिखाइए फिर से कैनवा, मैं आगे कुछ प्लीज, ओके बट मैम तो बोले अभी मुझे इतने बड़े बड़े आंखें दिखाई क्या, मैं नहीं सिखा रहा हूँ भाई, मुझे घर में रहना है। ओ
मैम बोलेगी तो लेके आऊंगा, नहीं तो क्या, बिल्कुल लेके आओ, नहीं तो अभी मुझे कपकेक भी नहीं मिलेगा। खाना हो गया बेबी, उठा के रख दिया। मैं फ्रेंच सीख रही हूँ। फ्रेंच में तारीफ करो, चलो फ्रेंच में तारीफ करना आसान है, पर मैं अपने खुद को इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। कट करके दिखाती हूँ मैं, वो लाइए ना प्लीज, नाइफ ने बेटा, केक कटिंग नाइफ लाइए और बोर्ड, हाँ ठीक है वो लाइएगा, मैं कट करके दिखाती हूँ, है ना प्रीटी लग रही है। मैं अपने खुद को इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ क्या फ्रेंच में? ओके दिस वियाना, नहीं नहीं चलो, बोनजोर बोनजोर, जाओ भाई जाओ भाई, ओह लाला ओह लाला, आई गॉट टू ईट दिस वन। ओके स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज स्टॉप नॉनवेज प्लीज, मैम कुक सो मेनी, जी जरूर मैम, हमने भी टेस्ट करने हैं। अंजू जी आ जाइए, प्राइस क्या होगा अश्विनी जी? हाँ बताओ प्राइस क्या होगा, दिस इज असर्टेड, सो एक का काम देखो, बटर क्रीम इतना महंगा, काजू कतली महंगी, सब काजू बिजू सब, कम से कम मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 75 रुपीज होना चाहिए, 80 रुपीज, या ना व्हाट इज दिस बैड, खाना है तो अच्छे से खाइए, नो नो दिस इज नॉट गुड, Go, sit your place, go. कट करके दिखा, हैंड वॉश कर लेना। माया जी बोले हेलो क्यूट याना, कैसी हो? चलो ये देखो हैम्पर का एक बॉक्स हमारा रेडी, ठीक है दिख रहा है ना, ये क्या शायद लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन आ रहा है, थोड़ा दूर से दिखाओ, बस दिखाओगे तो आएगा नाउ, हाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है ना। सोना बोलिए कि, सोना जी बोलिए कि टेम्पटिंग परफेक्ट क्लास फ्रॉम स्क्रैच रेसिपी टू फाइनल टच एंड फाइनली हाउ टू सर्व पैक एंड प्राइसिंग 80 रुपीज, दीपिका जी बोलिए यस 80 75 75 प्लस कितना भी रखो आप, कर रही हो इतना भी नहीं जा सकता है बट हाँ कर रही हो कट, बॉक्स भी मस्त है ओनली 25 रुपीज, हाँ बेकर्स की दुनिया का वेबसाइट चाहिए नंबर में भेज देता हूँ, बेकर्स की दुनिया का वेबसाइट है, आप उनका नंबर भी सेव कर लोगे तो उनका बिजनेस नंबर है ना, तो वहाँ पे भी आप कार्ट देख सकते हैं, कार्ट में वहाँ पे कौन सी चीजें उनके यहाँ पे अवेलेबल है। काफी गर्म है ना स्टिल, तो ये कैसे कटेगा, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये पेपर वाला है ना, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग पेपर है, स्ट्रॉन्ग पेपर है ना तो ये कटेगा। अंजू जी बोले गुड जॉब है ना, लर्न फ्रेंच नाइसली, यू विल गेट अ गुड जॉब इन कनाडा, फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन, यस थैंक यू। अंशू जी आपको भी आती है आई थिंक, कनाडा में बहुत ज्यादा फ्रेंच है, आई एम नॉट श्योर बट हाँ, ये नहीं कट, इंग्लिश बात करते हैं, इंग्लिश बात करते हैं बट नहीं, कैनेडियंस का फ्रेंच ही है, नेशनल लैंग्वेज कौन सा है कनाडा का, देखो सर्च करो, ये कट कैसे होगा, इतना हेवी पेपर है वो, थिक पेपर है, थिक पेपर बट उलाला वाओ, यू वांट टू ईट इट, यस आई विल ट्राई, स्पून लीजिए और एक प्लेट ले लो मैं देती हूँ। याना ऑफिशियल लैंग्वेज इन कनाडा, टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लिश एंड फ्रेंच, हाँ मैंने बोला ना फ्रेंच, मैंने बोला था इंग्लिश भी है, हाँ सॉरी, फ्रेंच ज्यादा चलता है कनाडा में, डिलीशियस यस, ठीक है सेंटर का भी फीलिंग फ्रेंच सर, कनाडा में लीना जी भी कनाडा में है, फ्रेंच है देखा, मैंने थोड़ा गूगल किया, आई एम गोइंग टू ट्राई, सेंटर में भी बढ़िया फीलिंग है और सॉफ्टनेस भी, आप देखो योगिता जी बोले व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप में डाल दीजिए नंबर, मैम को आप व्हाट्सएप कीजिए, बढ़िया अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप में इनका नंबर डाल दीजिए, पापा पापा को भी दे दीजिए, मैम यू वी वांट टू ईट, वांट टू ईट, संगीता जी आपका सन है दैट नाइस, कम
आपको आना पड़ेगा. टू डिलीशियस. होप सो आज का सेशन आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा और अच्छा लगा होगा. डिलीशियस तो बनेगा भैया सब. अच्छा जी बोले माई किड्स नोज फ्रेंच वेरी वेल. यस सुनने में बड़ा मजा आता होगा ना जब बच्चे फ्रेंच बोलते हैं या फिर अलग कोई लैंग्वेज बोलते हैं. अलग लैंग्वेज जर्मन इटालियन कोरियन. मैम खिला दो एटलीस्ट जी. चलो हरे जी थैंक यू अमेजिंग सेशन. थैंक यू टेक केयर. चलो है ना रेडी पैकिंग के साथ हैम्पर. कुछ क्वेरीज नहीं है ना मैं कैप्शन में अभी डाल दूंगी. जो दीपिका जी बोले आजकल तो 110 में तो सिर्फ एक पेस्ट्री ही मिलती है और इसमें तो इतना कॉस्टली आइटम डाले. जी मैं वही बोल रहा हूँ एरिया वाइज चेंजेस होते हैं. रेखा जी जरूर ट्राई कीजिए. मैम नहीं ना बाड़ा नहीं बैठो नहीं बैठो उधर प्लीज. ठीक है धन्यवाद. असम सेशन मैम आप दोनों को बहुत बहुत बड़ा थैंक यू जी. श्योर नेक्स्ट सेशन मैम जल्दी आएगा. मैम ने कुछ ऑलरेडी सोचा है. दो चीजें ऑलरेडी इन पाइपलाइन बोलते हैं वो है उसका हमने भी रेडी कर. एंजॉय योर मूवी डेट. कौन सी मूवी जा रहे रश्मि जी. मैम नेक्स्ट क्या वही बोला कि सरप्राइज रहेगा. ठीक है सरप्राइज तो करूंगी आप लोगों को पता चल ही जाता है ना. आप अंजू जी की भी डॉटर कनाडा में वो भी फ्रेंच सीख रही. इसकी कॉस्ट क्या करेंगे मैम ने अभी अभी बताया 80+ या 75+. देखो आप काजू कतली घर में बना रहे हो तो थोड़ा कम कॉस्ट में जाएगा. अगर आप मार्केट से ला रहे हो तो मुझे तो होममेड ही पसंद है. सोनिया जी मैम ये क्लास खत्म होने के बाद पोस्ट करेंगी इंग्रेडिएंट भी करेंगी और आपको वीडियो देखना पड़ेगा कैसे कैसे बनाया. दीपिका जी वो भी इतनी क्रीम डाल के देते हैं. हाँ जी मैं वही बोल रहा हूँ कि बटर क्रीम सॉरी वो फ्रेश क्रीम से तो अच्छा ही है. रख दो ना बेटू अभी अंदर रखो ना डार्लिंग. ये नहीं खाया मैंने. हो गया बहुत स्वीट हो गया. हाँ कितना खाओगी. सीमा जी बोले मैम शेयर पिक्स इन द ग्रुप आल्सो. जी श्योर बिल्कुल. ठीक है अभी इसका फोटोशूट कर लूंगी फिर मैं डाल दूंगी. दो तो हमारे सेशन हो गए हैम्पर के रिलेटेड. अभी नेक्स्ट आएगा जल्दी ही. तब तक के लिए अभी बाय बाय टेक केयर और टेक केयर. यस ठीक है.